हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। जैसा कि आपने देख लिया थंबनेल में आपको मिल रहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 पदों पर भर्ती होनी है। उस भर्ती के लिए आपको क्या करना है, तो अभी इसका कोई वो नहीं है कि कब तक आएगी ये, बस भर्ती होनी है। तो न्यूज़ दी हुई है कटिंग इसकी, आपको टेलीग्राम पर मैं इसको लगवा दूँगा, ठीक है? तो आप इसको पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 368 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये देखो, बस शुरू की जाएगी बस UPSC के द्वारा। तो हो सकता है कि इसी सीक्वेंस को देखते हुए आप ये भी समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द आपको GIC या आश्रम पद्धति भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो फिर ये आपका एक छोटा सा इसमें इन्फॉर्मेशन है। दूसरी इन्फॉर्मेशन है क्लास 9 और 10, इसमें लिखित परीक्षा होगी और ORM सीट भी मिलेगी। अब तो और अच्छा हो गया, बच्चे ऐसे ही पढ़ते नहीं थे, अब तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे। क्लास 9th और 11th के लिए तारीखें अहम सब दिया हुआ है। पूरा शेड्यूल कैसे शेड्यूल रहेगा इसमें, नए प्रारूप पे होगी ये एग्ज़ाम। कक्षा 10 और 12 के प्री एग्ज़ाम भी होंगे, परीक्षाएं जनवरी में होंगी। सब कुछ पूरा शेड्यूल दे दिया है, जनवरी में एग्ज़ाम होगा, फिर 10 से 12 फरवरी तक ये आपकी लिखित परीक्षाएँ कराई जाएंगी। बोर्ड परीक्षाएँ जो हैं प्रयोगात्मक परीक्षा 16 फरवरी से 25-28 फरवरी तक होंगी। बोर्ड परीक्षा जो भी मूल्यांकन है वो मार्च में ख़त्म कर दिया जाएगा। ये पूरा सीक्वेंस दिया है एक लाइन से पूरा का पूरा। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक नवंबर माह के प्रथम सप्ताह तक वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अर्धवार्षिक की प्रयोगात्मक परीक्षा सितंबर के अंतिम सप्ताह में, और सभी कक्षाओं में शैक्षणिक सत्र जो है वो 20 जनवरी तक पूरा कराना है। मतलब सिलेबस जो है 20 जनवरी तक पूरा कराना है आपको। तो अब तो बहुत अच्छा हो गया, वैकल्पिक प्रश्न आ गया 60%, 30% का शेड्यूल रहेगा इसमें पूरा का पूरा। समझ रहे हैं ना मतलब क्या होने वाला है? पूरा सीक्वेंस यही है। तो हर तरीके से चीज़ें बदल रही हैं अब। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, यूपी बोर्ड परीक्षा मार्च में होगी, ठीक है? इसका डिटेल वीडियो आपको शाम तक मिलेगा, ठीक है? पर मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी तो मैंने दे दी आपको। ये वाली 9वीं और 10वीं की परीक्षा नेवाडन पर होंगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये एग्ज़ाम आपका होगा 10वीं का और 12वीं का। 15 फरवरी तक सारे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 16 से 28 फरवरी तक खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा सब शेड्यूल्ड दिया हुआ पूरा का पूरा। सत्र में 5 मासिक परीक्षाएं होंगी, इसमें 3 बार बहुविकल्पीय और 2 बार वर्णात्मक परीक्षाएं होंगी। समझ रहे हैं? बहुत लंबा, बहुत दर्द की बात है इसमें। हाई स्कूल व इंटर प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक 15 मई तक अपलोड करने होंगे, ठीक है? इसकी भी डेट दे दी गई है। हर चीज़ के लिए हर चीज़ें दे दी गई हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मार्च में आयोजित की जाएंगी, वहीं बोर्ड परीक्षा के लिए प्रयोगात्मक 16 से 28 फरवरी। यही सब व्यू मैंने आपको बताया, यही सब इसमें लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं। तो नए पैटर्न पर अब एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे बहुत ही जल्द। तो आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। अगर आप चाहते हैं फिजिक्स पढ़ना तो आपको नीचे टेबल में लिंक दिया होगा, उस पर आप ज्वाइन कर लीजिए इसको, आपको वहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, चाहिए।